बोगानी है। तो हालात यह है, प्रतिदिन सरकार हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, उसका विरोध करने के लिए हमें जो अग्रणीय फेडरेशन है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। और मैं इस मंच से भाई प्रेमचंद जी को यह आश्वासन देता हूं कि एनआईसीडी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसोसिएशन है और चैप का एक हिस्सा है सेंट्रल हेल्थ फेडरेशन का, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी और जब आप बुलाओगे कॉल करोगे हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगी, मनोज जी आए और अपनी बात रखें। इसके बाद जाबिर हसन जी जो हमारे स्टेट के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और ऐसा सर, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली प्रदेश इप्सैप का अध्यक्ष हूँ। हमारा धरना जो केंद्र सरकार ने अभी यूपीएस की योजना लाई है, इससे पहले 1/1/2004 से एनपीएस की योजना ये लोग लेकर आए थे पेंशन के लिए, उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसका हम खंडन करते हैं। हमें हमारी पुरानी ओपीएस चाहिए, ओपीएस की लड़ाई है, ओपीएस की लड़ाई के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एनपीएस में क्या दिक्कत है जो लागू करने जा रहे हैं? एनपीएस में था ही कुछ नहीं। एनपीएस में दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, जो हमें जो पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन मिलती है और बहुत सारी चीजें नहीं है एनपीएस के अंदर। एनपीएस एक धोखा है। एनपीएस में 2000 रुपए पेंशन मिलेगी, 2500 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। एनपीएस तो धोखा है एकदम, और यूपीएस उससे भी बड़ा धोखा है। लेकिन जो वहाँ पर संगठन गया था, कई संगठन बुलाए गए थे, मीटिंग की गई थी, उसके बाद उसको मारा गया, क्या लगता है? संगठन में जो लोग गए थे वो अपने आप में कह रहे हैं कि हम देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन आज देश का कर्मचारी जाग उठा है और उन संगठनों से विश्वास उठ चुका है, इसलिए कर्मचारी आपके बीच में खड़ा है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है कि हम ओपीएस चाहिए हमें, हम यूपीएस और एनपीएस का खंडन करते हैं। क्योंकि ओपीएस के लगातार कहीं ना मांग करते हैं, काफी समय से मांग ली, अभी नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? लोकतंत्र में हमारे पास एकमात्र यही हथियार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते हैं जंतर मंतर पर खड़े होकर, और वो बातें हम रख रहे हैं, और जब तक ओपीएस लागू नहीं होता इसी तरीके से इप्सैप आंदोलन करती रहेगी। मेरा नाम प्रेमचंद है, महासचिव हूं मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन का। आज 4 सूत्रीय मांग पर हम लोग ये धरना देने के लिए आए। नंबर एक है कि एम्प्लॉइज को ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें हमारी सुनिश्चित पेंशन चाहिए। और आज मजे की बात है कि यूपीएस की घोषणा के बाद बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टी इस पर चुपचाप है। वो कांग्रेस की बात करो, सीपीएम की बात करो या दूसरे दलों की बात करो, तो हम एक तरह से ये सांकेतिक धरने के माध्यम से चेतावनी देने आए कि कर्मचारी ऐसा मत समझो कि बीजेपी को हराकर तुम्हें जिताएगा। अगर तुम हमारी मांगों पर ओपीएस पर ठीक निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें भी उसी तरह जवाब देंगे जैसे बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या पूरे देश में 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है? इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन का मामला कि देश में सेंट्रल पे कमीशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता, ना वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के लिए, ना लोकल बॉडीज के लिए, ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। हमारा कहना है परमानेंट पे कमीशन गठित करो जो हमेशा एग्जामिन करे और एक रेगुलर अंतराल के बाद अपनी सिफारिशों को लागू करे। तीसरी मांग है कि आज ठेकेदारी प्रथा पूरे देश में छा गई है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका के ठेके पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इस ठेकेदारी को जड़मूल से समाप्त किया जाए और इसमें वर्तमान में जो काम करे इन कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, क्या देश में सरकारी सेक्टर को कमजोर किया जा रहा है? वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो, या जल जमीन जंगल का मामला हो, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को कमजोर कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान कर्मचारियों के साथ देश की जनता को हो रहा है। तो हम किसी भी तरह के सरकारी क्षेत्र को कमजोर करने और सरकारी सेक्टर को मजबूत करने की मांग पर लगातार लड़ेंगे। 2 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर हम लोग गांधी जी की जयंती पर एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा, और नवंबर में ऑल इंडिया कमेटी के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करके अखिल भारतीय कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और मैं समझता हूं
कि मोदी सरकार की एक दिक्कत है, वो पहले गलत निर्णय लेती है फिर पीछे हटती है। तो जो एनपीएस से यूपीएस लिया है ये उसका गलत निर्णय। और मजे की बात है कि 24 तारीख को जिस दिन उन्होंने घोषणा की, अश्विनी वैष्णव जी ने थोड़ी देर कुछ बात की, उसके बाद तमाम सरकार के मंत्री संतरी गायब है, वो यूपीएस पे साइलेंट है। मतलब वो जो एक कोशिश कर रहे थे कि अश्वत्थामा गजो धीरे से बोल के मारा गया, तो वो उनकी नीति फेल हुई कि हमने कर्मचारी की पुरानी जो मांग थी कि सुनिश्चित पेंशन लागू करेंगे, हमने पेंशन सुनिश्चित कर दी, ये नारा खोखला निकला और सरकार के खिलाफ गया नारा। पूरे देश का एम्प्लॉई इसके खिलाफ है। और अंतिम बात कि जिन नेताओं ने, जो दो फेडरेशन के नेता प्रधानमंत्री के पास फोटो खिंचवाने गए, वो शुरू से हम लोग उनको समझौतावादी नेता मानते हैं। रेलवे की दोनों फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, दोनों के नेताओं को फोटो खींचने के लिए बुलाया था। प्रधानमंत्री ने कहा मैं जो बात कह रहा हूं उसी को जनता में बोलना, और बड़ी बेशर्मी के साथ जेसीएम के नेता सरकार की यूपीएस की एडवोकेसी कर रहे हैं। देश की जनता उनको बख्शने वाली नहीं है। जैसे राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हमला होगा, उनके खिलाफ आंदोलन होगा, ऐसे इन समझौतावादी नेताओं के खिलाफ भी हमारा आंदोलन चलेगा। आज की जो हम इप्सेफ के बैनर के नीचे सारी बहुत सारी यूनियन यहाँ इकट्ठी हुई, हमारी मेन मांग ये है कि ना हमें यूपीएस चाहिए ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। दोनों ही जो स्कीम है ये पेंशन की, दोनों ही धोखा है, कर्मचारी को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई है और हमें इसलिए ओपीएस चाहिए। और अब जो है ना, भारत सरकार ने ठेकेदारी प्रथा में सब कुछ ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया है, और उसकी वजह से जो सरकारी कार्य की गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे कम जाएगी। और जो ठेकेदार के कर्मचारी आते हैं, कौन उनका सर्टिफिकेट चेक करता है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, और कौन सामान की सिक्योरिटी करेगा? तो ये सब जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। सरकार को पूरा जो है रेगुलर भर्ती करनी चाहिए और पे कमीशन बनाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर पे कमीशन जो महंगाई जो पड़ती है उसको कंपनसेट करने की जो है वो पे कमीशन करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए ये जो है यूपीएस और एनपीएस ओपीएस आने चाहिए। मैं कुलदीप पटियाल हूँ, इप्सेफ दिल्ली स्टेट कमेटी की प्रेस सेक्रेटरी हूँ, और वल्लभ भाई पटेल जस्ट हेल्थ सेक्टर से आती हूँ मैं। सो, ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे लीडरशिप ने कहा, अभी मैम जो हमारी ये ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और हमारे प्रधान जो हैं इप्सेफ दिल्ली कमेटी के, उन्होंने जो कहा, आज हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, और जितने लोग हैं इन सबके पीछे लीडरशिप है, इनके पीछे हजारों लोग हैं, ये एक एक इन्हें कम ना आके। तो मैं हेल्थ सेक्टर का ये बोलना चाहूँगी कि अगर जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लोग ही तो प्रॉब्लम में, जब देश प्रॉब्लम में आता है तो खड़े होते हैं, तो इन्हीं को आप एक दरकिनार कर रहे हो। आप ओपीएस हम लोग चाह रहे हैं, मैं खुद ओपीएस से हूँ, लेकिन एनपीएस का क्या हश्र है? कोई बंदा रिटायर होता है, 3 लाख सैलरी हर मंथ ले रहा है और वो एकदम से रिटायर होता है, तो उसको 600 रुपए महीना या 6000 रुपए महीना मिल रहा है, तो क्या है? तो हमने जो सारा दिया है, अपना पूरा सर्वस्व दिया है 60 साल तक, तो उससे क्या दे रही है सरकार हमें? तो इसलिए, और दूसरा हेल्थ सेक्टर में आप आउटसोर्स करोगे, तो आउटसोर्स में क्या हो रहा है? हम अपने पेशेंट्स को ही तो सफ़र कर रहे हैं, हम उनको उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें वापस करनी पड़ेगी, ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म करना पड़ेगा, और एक पे कमीशन जो नेशनल पे कमीशन है परमानेंट, वो लाना पड़ेगा। तो हम किसी सरकार के साथ या विरोध नहीं, किसी पक्ष के विरोध उसमें नहीं है, जो भी अच्छा लाएगा हम उसी के साथ हैं। तो ये हमारा पुरजोर विरोध है इसमें।
सभी संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों आज सभी इन विपरीत परिस्थितियों में सुबह से ही बारिश का मौसम था और आप यही शहर में आके जो आहुति दी है इसके लिए उस पर दिल्ली प्रदेश सरकार ऊपर की गहराई से 4 रुपये खाते और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस पर दिल्ली प्रदेश में फिर से चले गए हैं और सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हम जल्दी ही अपने ही इस पर की समिति की मीटिंग रहेंगे और जो भी आगे की रूपरेखा है उसके ऊपर विचार कर आगे की रूपरेखा बनाएंगे। आपको हमसे की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज के इस धन्य का समय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करने का दिया करो।